इसराइल और हमास के बीच एक बार फिर भिड़ंत हो गई है। हमास ने गाजा स्ट्रिप से इसराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स दागने का दावा किया है। हमास के हमले की वजह से आधिकारिक तौर पर एक महिला की मौत हुई है। इसराइल ने भी हमास को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बात की जानकारी सामने आई है कि हमास के लड़ाकों ने इसराइल में घुसपैठ की है और सैनिकों पर गोलियां बरसाई हैं। फिलिस्तीनी चरमपंथियों के संगठन हमास को इसराइल ने भी जवाब दिया है। गाजा स्ट्रिप के पास इजरायली सैनिकों और हमास के लड़ाकों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इसराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला करना शुरू कर दिया है और ये पहला मौका नहीं है जब इसराइल और फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के बीच युद्ध हुआ है। 2021 में भी दोनों के बीच जंग हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसराइल फिलिस्तीन विवाद क्या है जिसकी वजह से इस बार हमास और इसराइल भिड़े हैं। क्या है इसराइल फिलिस्तीन विवाद? इसराइल फिलिस्तीन विवाद 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन सल्तनत की हार के बाद फिलिस्तीन के नाम से पहचाने जाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस वक्त इसराइल नाम के कोई देश नहीं था। इसराइल से लेकर वेस्ट बैंक तक के इलाके को फिलिस्तीन क्षेत्र के तौर पर जाना जाता था। यहाँ पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब रहा करते थे। फिलिस्तीनी लोग यही के रहने वाले अरब थे, जबकि यहूदी लोगों के बाहर से आने की बात होती है। फिलिस्तीनी लोगों और यहूदियों के बीच विवाद की शुरुआत तब हुई जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को कहा कि वो यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करे। यहूदियों का मानना था कि ये उनके पूर्वजों का घर है। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब यहाँ पर फिलिस्तीन नाम से एक नया देश बनाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटेन के नए देश बनाने के कदम का पुरजोर विरोध किया। इस तरह फिलिस्तीन इसराइल विवाद की शुरुआत होने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम डेली इनसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।